सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे जो फ्रेंड्स आप बिना इंटरनेट के और बिना डाउनलोड किए जो है गेम खेल सकते हो। काफ़ी सारे गेम्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जिससे जो आप बिना डाउनलोड किए और बिना इंटरनेट के भी जो है खेल सकते हो। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके पहले भी जो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बना रखी है, सो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ये कौन कौन सा तरीका है, एंड अगर इसके बारे में आप पहले से जानते हैं तो भाई कमेंट करके बता देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यार इससे पहले भी जो मैंने एक वीडियो अपलोड करा है जहां पे जो है बहुत सारे गेम्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाओ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो और उस वीडियो को देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद और एक चीज यहां पे और बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आपके पास एक नॉर्मल सा फोन है जहां पे आप बैटल रॉयल गेम का मजा लेना चाहते हो तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंटरनेट बंद कर देना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इंटरनेट भी जो है बंद कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे वाईफाई से भी जो मैं कनेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिंपली यहाँ पे जो आप कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी टाइप कर दीजिएगा और सर्च मार दीजिएगा, ठीक है। सर्च मारने के बाद जो ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको तीन गेम्स देखने को मिल जाएगा जिसे जो आप प्ले कर पाओगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, हॉट एयर बेलून एंड यहाँ पे स्नैक वगैरह गेम जो है उससे आप प्ले कर पाओगे। तो गाइस यार मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेम्स तो आप ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन टाइम पास के लिए अगर आप छोटा गेम्स खेलना चाहते हो ऑफलाइन और आपको जो है इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है तो ऐसे में जो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पहला तरीका। अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके के बारे में। फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पे जो गूगल को ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली गूगल को ओपन करना है एंड यहाँ पे जो फ्रेंड्स क्या होगा आपको इंटरनेट को बंद करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्च आ रहा है इसमें आपको कुछ भी टाइप करके जो है सर्च कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करने के बाद जो है फ्रेंड्स ये रहा हमारा गेम्स, इसे भी जो आप बिना इंटरनेट के और बिना डाउनलोड किए जो है खेल पाओगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो गेम है ये बहुत ही कमाल का है एंड यहाँ पे जो फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने इस गेम को ख़त्म नहीं किया है, पता नहीं यार कितना दूर तक चलता है ये गेम्स। बाकी आप लोग अगर खेलना चाहो तो आप इस गेम को जो है खेल सकते हो, टाइम पास हो जाएगा आप लोगों का अगर आपके मोबाइल पर इंटरनेट नहीं है या फिर आप जो है बिना डाउनलोड की गेम्स खेलना चाहते हो तो ऐसे जो ट्राई कर सकते हो। ये था फ्रेंड्स हमारा दूसरा तरीका। अब बताने वाला हूँ मैं तीसरे तरीके के बारे में, जो कि यार बहुत ही कमाल का है गेम्स एंड आई होप आप सभी को पसंद जरूर से आएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो आपको इस वाले गेम्स को खेलने के लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको जो है ऑफलाइन होना है, यानी कि अपना इंटरनेट को यार बंद करना है। उसके बाद जो ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा क्रोम को ओपन करने के बाद, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ भी सर्च मार देना है, ठीक है। यहाँ पर सर्च करने के बाद जो यार ये रहा हमारा गेम्स जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इस गेम के बारे में और बहुत ही फेमस गेम है एंड काफ़ी सारे यूट्यूबर भी जो ऑलरेडी खेल चुके हैं इस गेम को, अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं। तो आप चाहो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो, बेसिकली गेम जो यार बहुत ही कमाल का है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे बंदे यार कमेंट्स करके बोल रहे थे कि भाई कोई अच्छा गेम्स बताओ या फिर कोई ऑफलाइन गेम्स बताए, कोई बोल रहा है बिना डाउनलोड करके हम कैसे गेम्स खेल सकते हैं। तो गाइस यार यही तरीका है, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप जो है इस तरीके को यूज़ करके जो आप गेम खेल पाओगे बहुत ही आसानी से।